हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। हमने वर्क के ऊपर दो लेक्चर बनाए लिए थे, वो दोनों हमने कंप्लीट करके रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, सो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी। एनर्जी, वॉट इज मीन बाय एनर्जी? एनर्जी का मतलब है कि अ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। बट सुनो, कैपेसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्म वर्क का मतलब क्या है? एक बॉडी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक एनर्जी है, उसकी वजह से वो वर्क हो रहा है। लेट्स सपोज आपके बुक में एग्जांपल है कि एक प्लांट है, वो अभी सनलाइट के अंदर रखा हुआ है। आप क्या करो, उस प्लांट को जाके छांव में रख दो, घर के अंदर रख दो, 5 दिन या 10 दिन के बाद वो मुरझा जाएगा। क्यों? बिकॉज उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। बट सनलाइट मिलने के कारण ऐसा हुआ क्या? उसको एनर्जी नहीं मिली। क्या एनर्जी नहीं मिली? वही स्टेटमेंट बताती है, अ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ भी एक वर्क है। ग्रोथ के लिए एक एनर्जी चाहिए जो कि है सनलाइट। सनलाइट उसको मिली नहीं, इसलिए ग्रोथ हुई नहीं। ये उस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है? तो एनर्जी आपको इतनी जल्दी नहीं समझेगी, बट मैं जैसे जैसे आप तक को पढ़ाता चाहूँगा, हम डिटेल में घुसते जाएंगे, फिर समझेगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमें पढ़ना है एनर्जी के दो टाइप्स, जो कि हैं के ई एंड पी ई, मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप्स है एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो लोअर क्लास में तो दो ही है, मैंने अभी तक दो ही पढ़े, ठीक है? सो अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? हमें नेक्स्ट पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल में। हाँ, डेरिवेशन भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो स्पेलिंग मिस्टेक, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? अभी सुनो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि अगर एक बॉडी मोशन कर रही है और उसके अंदर उस मोशन 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 के जरिए एक एनर्जी कंजर्व होती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सपोज अगर एक कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, मतलब रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, उस कार का, तो इस कार में कौन सी एनर्जी होगी? इस कार में होगी काइनेटिक एनर्जी। या आप बोल सकते हो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए रोलिंग करते हुए जा रहा है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन, ठीक है? सो रोलिंग करते हुए वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहा है। बट मुझे पहले बताओ, ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है? वर्क कैसे? सुनो, रोलिंग क्या है? एक मोशन, एक डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स, कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा, इसकी वजह से तो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। एंड वर्क इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ फोर्स है, ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये, इसके पास एक एनर्जी, वो है काइनेटिक एनर्जी। बट कौन सा वर्क होना चाहिए? उसमें वर्क होना चाहिए ड्यू टू मोशन। वर्क ड्यू टू मोशन को कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, समझे? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वो बताऊंगा, वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप दिमाग में बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सभी जो क्वेश्चन बनेंगे इस पर, काइनेटिक एनर्जी सब पे एक काम आएगा। तो मैं बताऊँ अभी ये कैसा डेरिवेशन करना है इसका। तो सुनो, मुझे बताओ, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो एक एनर्जी है, हमने तो उतना ही पढ़ा है। तो सुनो, अगर हमने माना कि काइनेटिक एनर्जी जो है, एक स्टेटमेंट आपके बुक में है, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना समझे? एंड व्हाट इज फोर्स?
वॉट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट एम ए, फो एफ इज इक्वल टू एम ए, इतना तो पता है, हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था, मतलब शायद डायनामिक्स के लेक्चर में। ठीक है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन क्या था? सेकंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब एक मोशन के अंदर एनर्जी, और अगर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो अगर हमने जीरो माना, तो ये जीरो, जीरो इंटू टी इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज नथिंग बट एस इज इक्वल टू ए हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ यू टी लिखने की कोई जरूरत नहीं, इतना समझ ली। ये जो है ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट से और सेकंड से हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, एफ की जगह पर क्या लिखा, एम ए, एम ए, एफ किसको रिप्रेजेंट करना है, एम ए को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बोलेंगे एम ए इंटू एस क्या है, एस क्या है, एस इज नथिंग बट हाफ ए टी स्क्वायर इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। सो मुझे बताओ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए मल्टीप्लीकेशन में है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब के ई इज इक्वल टू एम 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 इंटू हाफ, उसके बाद ये ए इंटू ए स्क्वायर और ये टी इंटू टी स्क्वायर, तो पहले से तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे ए ब्रैक ए टी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, आई होप मैंने राइट लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई को ऐसे लिख सकते हैं हम कि ए टी क्या है, ए टी क्या है, ए टी इज नथिंग बट ए विलोसिटी, बट विच विच विलोसिटी, अरे फाइनल विलोसिटी ए टी। सुनो, फिर के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम इन एम इंटू हाफ इज इक्वल टू हाफ एम एम, हाफ एम, और ए टी क्या है, ए टी जो है वो है वी विलोसिटी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इजीली समझाएं, बहुत सिंपल ही। ठीक है, आई होप सो, पूरा लिख लो। ठीक है, ये करूँगा। अभी हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इतना ही था ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? अभी कोई डरने की जरूरत नहीं कि आपने सिर्फ आप क्या, मैंने सिर्फ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थोड़ा पढ़ा दिया। हम लास्ट के जो लेक्चर होंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? आपके बुक में एक स्टेटमेंट है, सुनो, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट और इट पोजिशन। ठीक, इसी के बुक में थोड़ा अलग डिफरेंट हो सकता है, बट हमारा इरादा क्या है, सेम है। तो सुनो, द एनर्जी परफॉर्म बाय सॉरी द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और स्पेसिफिक स्टेट, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है कि एक बॉडी है, उसके अंदर फिलहाल वो मोशन में नहीं है, अपोजिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एक बॉडी है जो मोशन के अंदर नहीं है, बट उसके अंदर एनर्जी है। वर्क डन नहीं हो रहा, इसके अंदर वर्क डन नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन हो रहा था, बस इसके अंदर वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी जो है ना, इसके अंदर एनर्जी तो होगी, एनर्जी होगी, बट वर्क डन नहीं करेगी। अब ऐसा कैसा हो सकता है, बट एनर्जी तो हमारा वर्क ही था ना। तो सुनो, अभी ऐसा कैसे हो सकता है, सुनो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा,
क्या आपने कभी वो हमारे यहाँ तो रबर फाइट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक रबर बैंड होता है, यहाँ पर दो उंगलियों में ऐसे बांधते हैं, और यहाँ पर एक जो पेपर होता है उसको बहुत ज़्यादा बार फोल्ड कर करके बहुत मजबूत बनाया जाता है, और ऐसे जब आप उसको स्ट्रेच करोगे रबर बैंड के साथ उस पेपर को, तो ऐसे जब छोड़ोगे तो बहुत स्पीड में निकलेगा, तो उससे हम रबर फाइट एक गेम था तो वो खेलते थे। तो उसमें क्या होता है कि हम जब उस रबर को स्ट्रेच करते हैं, सब सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो सपोज मेरे हाथ में रबर है ऐसे यहाँ पर, और मैंने इस रबर को यहाँ तक स्ट्रेच किया, अभी मुझे बताओ तुम इस जगह पर क्या एनर्जी है, इस जगह पर एनर्जी है क्या? हाँ, कैसे वर्क तो नहीं हो रहा है। सपोज ये मेरी उंगलियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक रबर है, और इसको यहाँ तक मैंने खींच लिया, और यहाँ पर वो क्या है, एक पेपर है, पेपर, ठीक है। तो अब इस जगह पर क्या मोशन हो रहा है? नहीं, बट यहाँ पर एनर्जी है, कैसे एनर्जी, कैसे वर्क तो हो रहा है। तो सुनो, यहाँ पर हमारी एनर्जी है, एक बात बताओ, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, सुनो, यहाँ पर बैलेंस फोर्स, मैं मेरे दूसरे उंगली से पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, मैं एक फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा हूँ, और ये रबर बैंड एक फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, क्या हो रहा है, ये बैलेंस फोर्स है। दोनों अगर इक्वल फोर्स है, मतलब एक जगह पर ऑब्जेक्ट है, तो वो एक बैलेंस फोर्स है, बट सुनो, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से को कैंसिल करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पेपर, ये एनर्जी कंजर्व कर रहा है, जितना टाइम मैं खींच करूंगा वहाँ उतना टाइम वो एनर्जी कंजर्व करेगा, और जब मैं हाथ निकाला तो फोर्स एक साइड ज़्यादा होने की वजह से वो एकदम स्पीड में निकलेगा, समझे नहीं समझे? आई थिंक सो, आपके पास एग्जाम्पल होगा, नाउ स्टैंड अप। सुनो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये मेरा मार्कर है, अभी मुझे बताओ क्या ये मोशन कर रहा है? नहीं, मोशन तो नहीं कर रहा, और मुझे अब बताओ इसमें एनर्जी है क्या? नहीं, क्या है ये तो एक वर्क डन हो रहा है। तो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, फिलहाल उसके पास वर्क डन नहीं होता, बट उसके पास एनर्जी होती है, ये जो मार्कर था ना मेरा, इसके पास खुद की एनर्जी थी, ग्रेविटेशन तो इसको खींच रहा था, खुद की एनर्जी तो थी, बट ये वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट इसके पास खुद की एनर्जी थी, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि अगर मैंने इस रबर बैंड को जब यहाँ पर स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ था, तब इसके पास एनर्जी थी, बट कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, बट जब मैं उसको छोड़ूंगा तब वो मोशन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो वो कौन सी मोशन, मोशन की द्वारा की जाने वाली एनर्जी, वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, ये एक बहुत बड़ा हमें चीज़ फाइंड हो गई है। तो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सुन लो, पी ई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो मास किसी ऑब्जेक्ट का किस में मापेंगे आप, केजी, ठीक है, ग्राम, ये हो सकता है, तो ऐसा यूनिट इसका आप मान लो केजी, और ग्रेविटी की, ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी ग्रेविटी होती है, और उसके बाद हाइट आपकी मर्जी, मीटर में मान लो, किलोमीटर में मान लो, ठीक है। सो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। एक सेकेंड टाइम देख लेंगे कितना हुआ। सो हमें ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करना, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ लेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बहुत छोटा सा है, कुछ मेन बात इसमें कुछ है ही नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर चलती है। सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जैसे कि मैंने बोला कि मैं जो हूं ना, मेरे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, मैंने उस एनर्जी से ये दूसरा मार्कर है तो उसको नीचे फेंक दिया, तो क्या है, अब आपने बोला कि मैंने एनर्जी को वेस्ट कर दिया, नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, एनर्जी जो है ना वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, बट वो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि मैंने फेंका तो ये जो एनर्जी थी ना मेरी एनर्जी, तो इसके अंदर कंजर्व हो गई, इस मार्कर के अंदर, वो मार्कर नीचे गिरा, फिर उस मार्कर ने उसकी, उसके अंदर जो भी एनर्जी थी वो फिर ग्राउंड पे लगे, फिर ग्राउंड इस पे तो भी लगा है, मतलब एनर्जी कैन कन्वर्टेड,
इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, बट इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी को हम कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि हीट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी, सुन मैं तुम्हें कन्वर्शन ऑफ एल एनर्जी बताऊंगा। अब मैंने बोला कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किसमें आए कन्वर्ट हो सकती है? अगर सोलर पैनल आपने कभी देखा है तो सोलर पैनल के ऊपर क्या गिरता है? लाइट, सनलाइट। सनलाइट को वो कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम क्या क्या चला सकते हैं? हम बल्ब चला सकते हैं। फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी के अंदर। और प्रेस, वो इस्त्री, तो वो क्या है? हीट एनर्जी। मतलब हम लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होता है कि हम डीजे भी चला सकते हैं, तो वो क्या है? साउंड एनर्जी। मतलब देख रहे हैं, किसी भी एनर्जी को किसी भी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, सॉरी एनर्जी। कल देखने की कोशिश करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अलसो सब्सक्राइब टू नेचुरल मैथ्स।